नमस्कार दोस्तों, गेलू नुस्खे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की प्रॉब्लम है और वो इस प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेहद ही सरल और एक आसान उपाय बताऊँगा जिसको हर कोई अपने घर में ईजिली कर सकता है और इसका पूरा पूरा लाभ ले सकता है। तो इस प्रयोग को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए आप वो चीज़ नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए प्याज का रस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कद्दूकस करके निकाला है। अगर आपके पास जूसर है तो आप जूसर से निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसे कद्दूकस करके उसको निचोड़ के उसका जूस निकाल सकते हैं, प्याज का रस निकाल सकते हैं। उसके साथ आपको चाहिए शहद, हनी चाहिए आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हनी चाहिए इसके साथ आपको। तो उसका प्रयोग कैसे करना है मैं वो भी बताता हूँ आपको। अच्छा, तो सबसे पहले आपको एक चम्मच प्याज का रस लेना है और इसमें एक चम्मच आपको शहद मिक्स करना है। एक चम्मच शहद और एक चम्मच प्याज का रस, इन दोनों को मिक्स करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और इसको प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, आपको पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसका आपने टोटल 10 ग्राम लेना है, मतलब आपने इसका टोटल दो इसका जो है दो चम्मच लेना है आपको, दिन में एक बार इसका प्रयोग करना है। दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होगा मैं वो भी बताना चाहता हूँ आपको। दोस्तों, जो प्याज जो है, ये प्याज का रस, ये हमारे खून की जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करके उसकी मात्रा को कम करता है और दिल के दौरे से हमें बचाता है। और इसके साथ जो हमारे प्याज जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक टॉनिक है। ये खून को साफ करता है, हमारी पाचन जो शक्ति है उसको मजबूत बनाता है और दिल हार्ट की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबको सही करता है, उनकी क्रिया को सही करता है। और जिन लोगों को नींद नहीं ज़्यादा जिन लोगों को नींद नहीं आती, अनिंद्रा रहता है, उन लोगों के लिए भी प्याज ये जो है वो बहुत अच्छा सर्व करता है। और इसके साथ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो शहद जो होता है ये हमारे शरीर की जितने भी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसको पतला करता है। तो आप इसे 5 से 7 दिन तक लगातार लें। और दोस्तों, उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही बेहद और सरल उपाय है। ऐसे बहुत से अगर उपाय आप और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और खास लेके आऊँगा आपके लिए। और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।